हेलो फ्रेंड्स, हानवी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे, जिसके लिए मैंने आटा लिया है। अब मैं इसमें नमक डाल के इसे जो नॉर्मली आटा होता है उस तरह गूंथ के तैयार कर लूँगी। हमारा आटा गूंथ के तैयार है। अब मैं एक बर्तन लूँगी, इसमें मैं उबले हुए आलू डालूँगी और इसे मैश कर लूँगी अच्छे से। अब मैं इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डालूँगी, इससे पराठे का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं और हमारा आटा भी सेट है। अब मैं गैस पे तवा रखूंगी गरम होने के लिए। अब हम एक बोल साइज का, जो छोटी बोल होती है उस साइज का आटा लेंगे और उसे गोल बोल की तरह शेप देके आटा लगा के रोटी की तरह बेल लेंगे। रोटी की तरह रोटी बेल के और फिर उसके अंदर जो आलू का वो बनाया है हमें वो डाल के बेलने से आसानी से हमारा पराठा बड़ा बिल जाता है और फटता नहीं है। और मुझे इसी तरह पराठा बनाना ज़्यादा आसान लगता है। अब मैं इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच आलू डालूँगी और इसे चारों तरफ से बंद कर लूँगी। और अब मैं इसे थोड़ा सा आटा लगा के बड़ा कर लूंगी। आप हल्के हाथ से इसे बेलें, ज़्यादा दबाव डालेंगे तो आपका पराठा फट सकता है। और देखें हमारा पराठा बड़ा हो गया है और ये कहीं से भी फटा नहीं है और ये मैंने गोल शेप में बनाया है। हमारा तवा गरम हो चुका है। अब मैं अपने पराठे को तवे के ऊपर रखूंगी जब तक वो पराठा सिकता है। दूसरा पराठा तैयार कर लेते हैं बेल के। इसे मैं चौकोर शेप दूंगी, आपको जौन सी शेप अच्छी लगती है आप उस शेप में बना सकते हैं। और इसे भी मैं उसी तरह हल्के हाथ से बेल के तैयार कर लूंगी। बीच में अपने पराठे पे भी ध्यान रखें। देखिए एक तरफ से सिक चुका है, इसे पलट देंगे और इस पराठे को बेलन से बेल लेंगे। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब मैं इस पर घी लगा दूंगी। मैं देसी घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन पराठे देसी घी के ही अच्छे लगते हैं। और ये दूसरी तरफ से भी सिक चुका है, मैं इस तरफ भी घी लगा दूंगी। और लो फ्लेम पे मैंने पराठे बनाए हैं जो अच्छी तरह सिक भी जाते हैं अंदर तक और बहुत ही अच्छे बनते हैं। देख सकते हैं आप हमारा पराठा कितना अच्छा लग रहा है। जो एक्स्ट्रा घी है उसे हम इस तरह डालेंगे। अब मैं दूसरा पराठा तवे पे रख दूंगी और इसे भी मैं उसी तरह पलट पलट के
सेक लूँगी, ये एक तरफ से सिक चुका है, इस पर घी लगा देंगे। पराठे पे आप अच्छे से घी लगाएं, कंजूसी ना करें। आप जितना अच्छा घी लगाएंगे आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा। और इसे हम पलट लेंगे। हमारा पराठा बन गया है। आप इसे दही अचार के साथ खाएं। मैंने इसके साथ करेले का अचार और नींबू का अचार और साथ में दही लिया है, जो सबको बहुत पसंद आता है। आप प्लीज एक बार इसे जरूर ट्राई करें और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, इसमें भी कंजूसी ना करें।